जय माता दी। नवरात्र में माता रानी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन जिस रूप की पूजा होती है वो शैलपुत्री रूप है। शैलपुत्री नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि माता रानी ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। इस दिन माता रानी को गाय के घी का भोग अगर लगाएं तो बेहद प्रसन्न होती हैं। दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। देवी का जन्म दक्ष के घर में हुआ था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बेहद कठिन तपस्या करी थी। इस दिन माता रानी को शक्कर का भोग लगाएं तो बेहद प्रसन्न होती हैं। तीसरे दिन माता रानी के चंद्रघंटा रूप की पूजा होती है। भगवान शिव के साथ विवाह होने के बाद देवी ने मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र धारण करना शुरू किया, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया। इस दिन माता रानी को दूध का भोग लगाएं तो वो बेहद प्रसन्न होती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। कहते हैं माता को मालपुआ पसंद है, इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में मालपुआ चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। पांचवें दिन स्कंद माता रूप की पूजा होती है। स्कंद माता के गोद में उनके पुत्र कार्तिकेय विराजमान होते हैं। इस दिन भोग के रूप में पका केला चढ़ाना चाहिए। माता रानी का छठा रूप है देवी कात्यायनी। इस दिन शहद भोग लगाएं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। सातवें दिन माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है और ये रूप माँ का बेहद प्रलयंकारी माना गया है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए हमें। आठवें दिन माँ के महागौरी रूप की पूजा होती है और इस दिन माता को नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। नवरात्र के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माता रानी को हलवा, पूड़ी, चना, खीर या सफेद तिल से बनी कोई खाद्य पदार्थ अगर हम चढ़ाएं तो बहुत प्रसन्न होती हैं।